हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 संस्कृत 10th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। हमारे देश की क्या संस्कृति है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अस्माकम देशः। अस्माकम मीन्स हमारा देश, हमारा देश। एषः देशः अतीव प्राचीना अस्ति। यह देश बहुत प्राचीन है, पुराना है। अत्र भाषा भाषिणः अनेक धर्मावलंबिनः च जना निवसन्ति। यहाँ पर बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। निवसन्ति मीन्स रहते हैं। संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अतएव अस्य संस्कृति अतीव वैविध्यमयी वर्तिते। यहाँ की संस्कृति बहुत जो है, यहाँ की संस्कृति वैविध्यमयी विविध प्रकार की है। हिंदुआ मुस्लिमा, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई पारसी, ये सब लोग मिलकर आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। सकले विश्वे एषः एव देशः अस्ति। पूरे विश्व में ये एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक साम धर्माणम उदया अभवन, जहाँ पे अनेक धर्मों के लोग बहुत प्यार से रहते हैं। शनैः शनैः धीरे धीरे ते संसारे प्रसारम च अलभन। धीरे धीरे संसार का प्रसार हुआ, फैला और ज़्यादा विस्तार से। तो अधुना भी भारते धार्मिकी सहिष्णुता सर्वाधिका वर्तते। तो हमारे देश भारत में धार्मिक सहिष्णुता बहुत अधिक है। वयम परस्परम अन्येषां धर्मस्य समादरं कुर्मः। इसलिए हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं और सर्व धर्म संभावस्य, सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से, अच्छी भावनाओं से, प्यार से रहते हैं। अब बेटा, आपका ये लेक्चर आज यहीं तक। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। अब आप लोग बेटा अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये शब्द अर्थ आपको होमवर्क में करना है। जैसे भाषणा अनेक भाषा की बोलने वाले लोग हैं, धर्मावलंबिना धर्म को मानने वाले लोग हैं। वैविध्यमयी होता है विविध प्रकार की। और सकल सारे सोल्लास उत्साह से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, उल्लास के साथ। अनेक के साम होता है अनेक। मान्यते मनाए जाते हैं। प्रसारम फैला हुआ, प्रचार प्रसार जिसको कहते बेटा। अलभन मिस होता है प्राप्त किया। और प्रदर्शन दिखाते हैं। सहिष्णुता होती है सहनशीलता। रास्ते शोभायमान होती है। समाद्रम आदरपूर्वक। ये आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले ये होमवर्क में आपको शब्द अर्थ लिखना है। अब आपका ये लेक्चर यही फिनिश होता है। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।